स्टेट एसी, दो यूनिट को जोड़ के एक यूनिट बनता है। ये अब हम दोनों का जो है साइकिल पूरा करता है, हम लोगों को दोनों का साइकिल पूरा करता है। ये जो है हमारा इंडोर का 1/4 जो लिक्विड आउटडोर से हमारा इंडोर में जाता है। तो ये साइकिल पूरा करने के लिए इन दोनों को हम जब जोड़ते हैं तो यहाँ 2 फुट सलाइड इंच का जरूरत पड़ता है। ऐसे टाइट करके एक सलाइड इंच से इसको पकड़ लेते हैं, हम दूसरे सलाइड इंच से इसको टाइट करते हैं। उसी तरह से इसके साइकिल को पूरा करना है, इसको 1/4 को जोड़ना है, तो 1/4 को भी जो है इसी तरह से जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद डबल सलाइड इंच से टाइट कर देते हैं। हमारा जो है अब साइकिल यहाँ पे इस तरह से जुड़ के कंप्लीट हो जाता है। ये हमारा यहाँ पे आ गया जुड़ने के बाद, और ये हमारा जुड़ने के बाद यहाँ पे आ गया। अब जो है यहाँ से हम LMT के द्वारा इसका गैस खोल के जो यहाँ पे पाइप हम जोड़े हैं, यहाँ पे जोड़े हैं, यहाँ पे जोड़े हैं, यहाँ पे जोड़े हैं, इसको जो है हम फोम में झाग बना के और यहाँ पे लगाते हैं। एक ही बार में हम पूरा गैस नहीं खोलते हैं, एक पाइप वन टाइम में बस 1-2 सेकंड के लिए खोले और फिर बंद कर दिए। लीकेज अगर कहीं से बुलबुला दे रहा है तो तुरंत उस जगह को हम टाइट करेंगे, फिर जो है फोन लगा के देखेंगे, झाग बना के देखेंगे कहीं बुलबुला नहीं ना छोड़ रहा है। अगर नहीं छोड़ रहा है तो ठीक है, फिर जो है LMT के द्वारा हम थोड़ा सा ज्यादा गैस उससे खोलेंगे। पहले 3 से 4 सेकंड के लिए खोले थे, अब क्या करेंगे 5 से 6-7 सेकंड के लिए खोलेंगे, फिर एक बार चेक करेंगे। अगर नहीं कुटवा रहा है तो हमारा सही है, अब पूरा खोल देंगे, उसके बाद फिर चेक कर लेंगे। नहीं आ रहा है तो ठीक है, अगर उतने प्रेशर के बाद लीकेज है तो तुरंत जो है हम अपने डिस्चार्ज को बंद कर देंगे और सेक्शन वाल्व को खोल के AC ऑन करेंगे। AC को ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद तुरंत जो है कंप्रेसर हमारा टर्बो मोड से चालू करके और सेक्शन लाइन को 1 मिनट 60 सेकंड में इसको LMT के द्वारा इसको भी जो गैस खोले थे उसको लॉक कर देंगे। अब क्या हुआ कि पूरे सिस्टम में जो हमारा गैस रन कर रहा था, सेक्शन लाइन का काम है खींचना, वो पूरा जो है खींच लिया गैस इस यूनिट के अंदर आ गया। फिर इसको बंद करके आप देखेंगे कि कहीं फ्लेयर, मेरा ये जो फ्लेयर बना था यहाँ पे हम बनाए थे, वो फ्लेयर कहीं